व्यूअर्स, जिस इंटरेस्टिंग कॉइन को आज हमने पिक किया है अपनी चिल्लर कलेक्शन में से आप सभी को दिखाने के लिए और आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए, वो कॉइन इंडिया के रेयर 5 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन्स में से एक है। ये कॉइन इशू किया गया था ईयर 2007 में, और इस कॉइन में खास बात ये है कि सेम कॉइन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में इशू किया गया, वो भी सेम डिनोमिनेशन में और वो भी सेम ईयर में। तो आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जो पहला कॉइन इशू किया गया था उसमें एक थोड़ी सी गलती होगी, गलती कहें कि ऑब्जेक्शन हो गया, तो उस ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए नेक्स्ट कॉइन करेक्ट इशू किया गया। तो ये तो हुआ दूसरा कॉइन। अब जब करेक्ट कॉइन एक बार इशू कर दिया गया तो उसे डिफरेंट मेटल में भी इशू किया गया। तो ऐसे सेम कॉइन इशू किया गया ईयर 2007 में इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो इस सस्पेंस को हम अच्छे से ख़त्म करेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जिसे हिंदी में कहा गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इस रेवोल्यूशनरी स्लोगन को तो हम सभी जानते हैं, इसे दिया था इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक की। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम जिन सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं तिलक जी पे इशू किए गए इंडियन कमेमोरेटिव कॉइन्स। आज का ये वीडियो एक और तरीके से यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को कैप्चर करने के लिए हम स्पेशली आए हैं तिलक म्यूजियम में। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तिलक जी की बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है। तो जुड़े रहिए वीडियो से एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा ना सिर्फ तिलक जी पे इशू किए गए रेयर कमेमोरेटिव कॉइन्स, बट इसके साथ साथ मैं आपको दूंगा तिलक जी के म्यूजियम का एक कंप्लीट डिटेल टूर, ताकि हम कॉइन्स के साथ साथ जान पाए बाल गंगाधर तिलक की लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली जूम करते हैं कॉइन पे और घूमते हैं इस म्यूजियम में। तो व्यूअर्स, हम आए हैं तिलकवाड़ा केसरी, जो कि पुणे में है। यहाँ पे आने से ऐसा लग रहा है कि इस जगह से कितनी हिस्ट्री एसोसिएटेड होगी लोकमान्य तिलक की। लोकमान्य का मतलब ही ये होता है कि लोगों में जो माना जाता है, लोग जिनको खुद से लीडर मानते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे म्यूजियम के एंट्रेंस में हम देख सकते हैं एक बहुत ही एंटीक मशीन पड़ी है। इसको देखने से हमारे को ये पता नहीं लग रहा था कि ये मशीन किस चीज़ के लिए होगी और ये कितनी पुरानी होगी। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो फाउंडर एडिटर थे केसरी न्यूज़पेपर के, और ये मशीन थी न्यूज़पेपर को प्रिंट करने वाली मशीन, जो कि उन्होंने पर्सनली लाई थी फ्रॉम लंडन इन 1886। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो व्यूअर्स, हमने तिलक जी के म्यूजियम का टूर तो शुरू कर दिया, अब साथ साथ हम देखते हैं तिलक जी पे इशू किए गए इन रेयर कॉइन्स को। तो व्यूअर्स, ये है वो 2007 में बाल गंगाधर तिलक की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किए गए एक ही टाइप के 3 अलग अलग कॉइन्स। आप अच्छे से इन तीनों कॉइन्स को देख लीजिए। आपको देखने में ये कॉइन्स काफी हद तक सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इन कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ रेरिटी, डिज़ाइन एंड मेटल कॉम्पोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं हम इस कॉइन की। 2007 में बाल गंगाधर तिलक की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया जाने वाला ये है वो पहला कॉइन। ये है कॉइन का ओवर साइड, जिसे हम कहते हैं हेड्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जिसके नीचे हिंदी में लिखा है सत्यमेव जयते, और यहाँ पर है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5। लेफ्ट में हिंदी में लिखा है भारत रुपए और राइट में इंग्लिश में लिखा है इंडिया रुपीस। और यहाँ पे आप इसके रिम में देख सकते हैं ये एक डिज़ाइन है। व्यूअर्स, ये है कॉइन का रिवर्स साइड, जिसे हम कहते हैं टेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, और यहाँ पे ऊपर हिंदी में लिखा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती।
और नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आइए जानते हैं ऐसा इस कॉइन में क्या था जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इस कॉइन को सर्कुलेशन से इमीडिएटली विदड्रॉ करना पड़ गया था। कॉइन के रिवर्स साइड में अगर आप लेजेंड को देखेंगे यानी कि नेम ऑफ द पर्सनैलिटी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती। आपको अभी भी इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस पे बाल गंगाधर तिलक की फैमिली की ओर से कुछ ऑब्जेक्शंस हुए। उनके नाम के आगे जी शब्द को क्यों ऐड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है तिलक जी। व्यूअर्स, इससे पहले भी कमेमोरेटिव कॉइन्स इशू किए गए हैं काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ पे, जैसे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और किसी में भी जी शब्द का नेम के एंड में यूज़ नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि इस कॉइन में जी शब्द का यूज़ क्यों किया गया है। इसलिए कॉइन के लेजेंड से जी सफिक्स को रिमूव करना पड़ा और नए कॉइन्स जारी किए गए और तिलक जी वाले इन कॉइन्स को मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन जैसा कि कलेक्टर्स और न्यूमिस्मैटिस्ट इन गलतियों को पकड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो काफ़ी तिलक जी वाले कॉइन्स उनके द्वारा होल्ड कर दिए गए और इस वजह से आज की डेट में ये कॉइन 5 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन्स की रेयर कैटेगरी लिस्ट में आते हैं और तिलक जी के इन कॉइन्स को हम तिलक जी एरर कॉइन के नाम से भी जानते हैं। व्यूअर्स, तिलक जी वाले इस कॉइन में एक और फॉर्म नज़र आई थी जिसमें लेजेंड इंस्क्रिप्शन तो सेम है बट वो ब्रोकन लेजेंड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले कि हम लोकमान्य तिलक के करेक्टेड कॉइन्स को देखें, आइए हम आपको दिखाते हैं लोकमान्य तिलक म्यूजियम में प्रिजर्व की हुई कई हिस्टोरिकल चीज़ें जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो व्यूअर्स, हमने फाइनली एंटर कर लिया इस म्यूजियम में। आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट में बहुत ही मैजेस्टिक इमेज है बाल गंगाधर तिलक की, आप इसे क्लोज से देख सकते हैं। और आप इनके लेफ्ट और राइट साइड में देख सकते हैं कि सिल्वर की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इनको पढ़ा तो इसमें लिखा है मानपत्र, तो उसका मतलब होता है कि जब भी तिलक जी किसी ओकेजन में जाते थे तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती थी इन सिल्वर के आइटम्स में, तो इनको हम कहते हैं मानपत्र। व्यूअर्स, आप यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये कितना एंटीक टेबल है। आपको इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊँ, आपने होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में सुना होगा जो कि लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने साथ में मिलकर डिस्कस करके की थी, वो इस टेबल पे की गई थी। व्यूअर्स, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो लोकमान्य तिलक की फैमिली और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके दादाजी, उनके अंकल, उनके फादर, कहाँ वो किस रूम में रहते थे, कहाँ से उनकी एजुकेशन हुई, ये सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं इस घर की जहाँ पे लोकमान्य तिलक की फैमिली रही, ये उनके फैमिली फ़ोटोग्राफ है, ये तिलक जी की इंडिविजुअल फ़ोटोग्राफ है। तो व्यूअर्स, ये है वो पालकी जिसकी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है सिंस द टाइम्स ऑफ लोकमान्य तिलक द आइडल ऑफ श्री गणेश इंस्टॉल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द गणपति फेस्टिवल इज ब्रॉट इन दिस पैलेंक्विन विद पॉम्प एंड शो। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है गणेश उत्सव, उसमें गणेश जी को स्थापना के लिए इसी पालकी में लेके आया जाता है। व्यूअर्स, आपने इंडियन फ्लैग तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जो इंडियन फ्लैग मैंने इस म्यूजियम में देखा है वो आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक फ़ोटोग्राफ है मैडम कामा की विद द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि उन्होंने जर्मनी में फहराया था एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन 18 अगस्त 1907, जी हाँ, इंडिपेंडेंस से 40 साल पहले। तो यहाँ तो फ्लैग आपको सिर्फ फोटोग्राफ में दिख रहा है, अगर आपको मैं इस फ्लैग को रियल में दिखाऊँ तो इस फ्लैग को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं सेंटर में लिखा है वंदे मातरम। फाइनली तिलक जी वाले कॉइन्स के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए इशू किया गया ये वाला कॉइन। इसका ओवर साइड सिमिलर है पहले वाले कॉइन की तरह, और रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो वो भी सभी रिस्पेक्ट्स में सिमिलर है। बस यहां पे लेजेंड को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा लिखा हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती,
जिसका मतलब ये है कि यहाँ से जी शब्द को हटा दिया गया है लेजेंड से। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो व्यूअर्स, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ दो लेटर्स की गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इन कॉइन्स के पूरे सर्कुलेटेड लॉट को रिप्लेस करना पड़ गया था इंडियन गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आप इन दोनों कॉइन्स को एक साथ देख सकते हैं और हिसाब लगा सकते हैं कि ये कॉइन्स कितने सिमिलर हैं अगर माइन्यूटली इन्हें ऑब्जर्व ना करें तो। बाल गंगाधर तिलक का ये रेक्टिफाइड कॉइन भी सर्कुलेशन में काफ़ी कम नज़र आता है, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स में आता है। तो व्यूअर्स, इन कॉइन्स की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर हैं। इन दोनों कॉइन्स का मेटल कॉम्पोजिशन है क्यूप्रोनिकल अलॉय, शेप है सर्कुलर, और वेट की अगर हम बात करें तो वेट है 9 ग्राम्स। डायमीटर ऑफ द कॉइन्स की बात करें तो डायमीटर है 23 mm। और दोनों कॉइन्स के एजेस को अगर हम देखेंगे तो इनका एज है सिक्योरिटी एज, यानी कि इनके ग्रूव्स में डिजाइन है। व्यूअर्स, बाल गंगाधर तिलक के ये कॉइन्स इशू किए गए थे इन द ईयर 2007, जो कि बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली मैंशनड है इन कॉइन्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंशनड है 20 और यहाँ पे है मैंशनड 07, जिसका मतलब ये 2007 में इशू किया गया था। और ये दोनों कॉइन्स ही इशू किए गए थे बॉम्बे मिंट से। तो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है डायमंड शेप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोकमान्य तिलक के नेक्स्ट कॉइन पे स्विच करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं लोकमान्य तिलक और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई कुछ और फेमस पर्सनैलिटीज से रिलेटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। व्यूअर्स, इन टेबल्स में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स प्रिजर्व की गई हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हैंड प्रिंट्स हैं लोकमान्य तिलक के, उनके हॉरोस्कोप का स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकमान्य तिलक की जो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोकमान्य तिलक का पर्सनल फाउंटेन पेन प्रिजर्व किया गया है अभी तक। व्यूअर्स, इस बॉक्स में कुछ पुराने लेटर्स पड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए बहुत सारे लेटर्स। ये फाउंटेन पेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है शिवराम हरि राजगुरु का। राजगुरु बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर, जो भगत सिंह और सुखदेव के साथ शहीद हुए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ पे भी आप कुछ लेटर्स देख सकते हैं दिनकर हरि राजगुरु और शिवराम हरि राजगुरु से, फ्रॉम लाहौर जेल। तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तिलक जी जिन डाइज को यूज़ करते थे अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए, उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी तक कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखे गए हैं। आजकल जैसे हम स्टैम्प्स देखते हैं, रबर स्टैम्प्स, वैसे ही कुछ सिमिलर है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े रजिस्टर्स रखे हैं। अगर हम इसे अंदर खोल के देखेंगे तो यहाँ पे केसरी न्यूज़पेपर्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, जो कि बहुत ही पुराने हैं। ये दिख रहा है 1977 का। थर्ड हम बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कॉइन की। कॉइन के ओवर्स साइड और कॉइन के रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो ये कॉइन एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे पिछले दिखाए हुए तिलक वाले कॉइन से। इस कॉइन और हमारे पिछले दिखाए हुए इस कॉइन में सिर्फ दो चीज़ों में फ़र्क है, और वो फ़र्क है मेटल कॉम्पोजिशन और स्टैंडर्ड वेट में। तो अगर हम इस कॉइन के फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या हैं वो डिफरेंसेस। इस कॉइन का मेटल कॉम्पोजिशन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, और तिलक जी और तिलक वाले इन कॉइन्स का मेटल कॉम्पोजिशन था कॉपर निकल। इस कॉइन की अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट है 6 ग्राम्स और इन कॉइन्स का वेट था 9 ग्राम्स। इस कॉइन की डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर है 23 mm और इसका शेप भी है सर्कुलर, और इस कॉइन के एज की अगर हम बात करें तो इसका एज भी है सिक्योरिटी एज। ये वाला कॉइन भी जनरल सर्कुलेशन में काफी कम नजर आता है, इसलिए ये भी स्केर्स कैटेगरी ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स में आता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं तिलक म्यूजियम के कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। व्यूअर्स,
व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मंडाले कारागृह, यहाँ की मंडाले प्रिजन का प्रोटोटाइप जो कि बनाया गया है। आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ कि मंडाले जेल में लोकमान्य तिलक रहे थे 6 साल तक, और जब वो यहाँ पे रहे तो उनको न्यूज़पेपर्स कुछ भी अलाउड नहीं था, तो इस टाइम पे उन्होंने गीता रहस्य लिखने की शुरुआत की थी, और यहीं पे उन्होंने खुद से सीखी जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस। यहाँ पे इस जेल की कंप्लीट हिस्ट्री लिखी है जो कि आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही एंटीक सा रूम आपको दिख रहा होगा। इसमें 90% चीज़ें पुरानी हैं, तिलक जी के टाइम की हैं। सिर्फ अगर आप इस स्टैचू, जो कि तिलक जी का स्टैचू है, इसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ें पुरानी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फर्नीचर है, जैसे कि ये टेबल है। इस टेबल पे तिलक जी ने गीता रहस्य लिखने की शुरुआत की थी जब वो थे मांडले जेल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलक जी का बेड भी देख सकते हैं, चेयर्स भी देख सकते हैं, और 2 एंटीक कबर्ड्स हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं तिलक जी से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, फाइनली आप इन तीनों टाइप के कॉइन्स को एक साथ इकट्ठे देख सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास तिलक जी वाला कॉइन, और यहाँ पे है रेक्टिफाइड तिलक वाला कॉइन, और यहाँ पे है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला रेक्टिफाइड तिलक कॉइन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ये कॉइन्स इशू किए गए थे प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी। प्रूफ सेट कॉइन्स और यूएनसी सेट कॉइन्स दोनों ही इशू किए गए थे मुंबई मिंट से, और उनमें नजर आए 100 रुपीज और 5 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स। आप प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इन कॉइन्स के वीआईपी प्रूफ सेट्स भी इशू हुए थे, जो अक्सर दिए जाते हैं इंडिया के टॉप डिग्नेटरीज को एट द टाइम ऑफ द लॉन्च डेट, जिसका मतलब है जब ये कॉइन्स लॉन्च किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वीआईपी सेट का रियर लुक जो हमें देखने को मिला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस म्यूजियम में। तो व्यूअर्स, फाइनली यहाँ पे हमें मिले हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि इंडियन कॉइन्स। तो जनरल सर्कुलेशन, प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स तो हमने बहुत देखे। यहाँ पे हमें मिले हैं बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक पे इशू किए गए वीआईपी सेट्स। आइए उनको देखते हैं। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो वीआईपी सेट जिसमें 100 रुपीज़ और 5 रुपीज़ डिनोमिनेशन के कॉइन्स। ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती स्मारक सिक्के 2007, और नीचे इंग्लिश में लिखा है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कमेमोरेटिव कॉइंस 2007। तो व्यूअर्स, ये है वो वीआईपी सेट का 100 रुपी कॉइन जिसका रिवर्स साइड यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर लिखा है हिंदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती, और नीचे इंग्लिश में लिखा है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पे अगर आप नीचे फोकस करेंगे तो ईयर मेंशनड है 2007। सेंटर में मिंट मार्क है M, जिसका मतलब है मुंबई मिंट मार्क, और M सिर्फ प्रूफ सेट कॉइन्स में ही होता है। और यहाँ पे है रिवर्स साइड ऑफ द कॉइन जो कि है 5 रुपीज़ डिनोमिनेशन का। तो व्यूअर्स, आई होप आपको तिलक जी पे इशू किए गए ये रेयर कमेमोरेटिव कॉइन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और तिलक जी पे इशू किए गया एरर कॉइन की हिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो ये म्यूजियम का हमने डिटेल टूर दिया है ये भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जहां हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स की करंट एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस के बारे में। तो ये बाल गंगाधर तिलक के कॉइन्स इशू किए गए थे बॉम्बे मिंट से। तिलक जी का जो ये एरर कॉइन है, इसका आज की डेट में मार्केट प्राइस है 1500 to 3000 रुपीज़। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के करेक्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर निकल वाले बाल गंगाधर तिलक कॉइन के बारे में। तो उसका आज की डेट में मार्केट प्राइस है 300 से 500 रुपये। ये भी इशू किया गया था बॉम्बे मिंट से। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन की बात करें तो वो भी स्केयर्स है, उसका करंट मार्केट प्राइस है 200 to 400 रुपीज़। तो व्यूअर्स, तिलक के ये कॉइन्स इशू किए गए थे प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी। प्रूफ सेट कॉइन्स का 2007 में इशू प्राइस था 1394, और आज की डेट में अगर आपको ये प्रूफ सेट किसी कलेक्टर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा 6000 से 7000 रुपये का। और यहीं हम अगर यूएनसी सेट्स की बात करें तो इसका 2007 में इशू प्राइस था 739 रुपीज़, और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको मिलेगा 4000 से 5000 रुपये का। और जैसा कि हमने आपको इस म्यूजियम में दिखाया लोकमान्य तिलक का वीआईपी सेट, इसके प्राइस में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कलेक्टर्स आइटम है जो शायद ही कोई बेचेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो तिलक जी पे इशू किए गए डिफरेंट टाइप ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स पे, और कैसा लगा आपको तिलक जी के म्यूजियम का डिटेल टूर, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे चैनल रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स जल्द से जल्द। और हाँ व्यूअर्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को मिल पाए तिलक जी से रिलेटेड कॉइन्स की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। और मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन जस्ट चिल्लर।